हाँ, मेरे साथ पहले एक बार भी हो चुकी है और काजल को एक बार और पहले भी मारने की कोशिश की जा चुकी है। मतलब जो हमारी क्यूट गर्ल है काजल, उसको और मुझको जान से मारने की धमकी मिली है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। मैं डरता होऊंगा, तुम्हें लगता होगा। अपने ही लोग हैं, जिन लोगों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो लोग भी वीडियो देखते हैं यार। एक बात बताऊँ, मेरे घर पे भी आए थे चेक करने के लिए। मैंने उनको बताया ना कि मेरे को मारने की, जान से मारने की धमकी वगैरह दे के गए, तो वो लोग आए थे चेक करने के लिए। पड़ोस में कुछ लोगों ने बताया कि हाँ ये बात सच है। उन लोगों ने भी मतलब वीडियो गवाही में दी पूछा है। ना, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे अच्छे होंगे। तो भाइयों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो कोई क्यूट गर्ल के ऊपर नहीं है या फिर बाइक राइडिंग के ऊपर नहीं है। ये वीडियो कुछ बातें करनी है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट। आपको मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। मतलब जो हमारी क्यूट गर्ल है काजल, उसको और मुझको जान से मारने की धमकी मिली है। अपने ही लोग हैं, बाहर का नहीं है कोई, अपने ही है। क्योंकि वो और मैं वीडियोस बनाते हैं, एक साथ रहते हैं, तो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है। मेरे अपने ही हैं और एक तो उसकी भी तरफ से हैं, बाकी के दो चार मेरे तरफ से हैं। तो हमको बोला है या तो ये सब कुछ बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। झूठे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, उल्टे सीधे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। दो एक दो जने मेरे घर के हैं, बाकी एक दो जने और मेरे घर के ही हैं, लेकिन वो बाहर गए हैं जो मुझे धमकी दे रहे हैं। फिलहाल तो काजल गई हुई है अपने घर गाँव, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन गई थी, उसको भेजना बहुत जरूरी पड़ गया था भाई। उसको जाना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि ये सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। तो काफी सारी चीजें करनी थी जो काजल की सेफ्टी को लेके थी। मेरे साथ पहले एक बार भी हो चुकी है और काजल को एक बार और पहले भी मारने की कोशिश की जा चुकी है। अभी काजल फिलहाल घर गई है, मैं बता नहीं सकता आपको खुल के, क्योंकि जिन लोगों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो लोग भी वीडियो देखते हैं यार। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए काजल गई है, 6-7 जगह का काम है, ज्यादा का ही है, 2-3 जगह का काम तो उसने कर दिया है। उस लड़की के साथ पहले भी एक बार बहुत गंदा सीन हो चुका है, मेरे ही लोगों के थ्रू वो एक बार उसको जान से मारने की कोशिश कर चुके हैं। यही मेरी तो गाइस, मैं उनसे मैं खुद निपटना चाहूंगा। काजल की बात देखो, काजल का सबसे कोई मैटर नहीं है। वो लड़की मेरे से बात तब करती है जब मैं उससे करता हूँ। अगर मैं उससे बात करना बंद कर दूंगा तो वो भी मेरे से बात करना बंद कर देगी। लेकिन कुछ गधे हैं, उन गधों को ये समझ में नहीं आता भाई, कोई नहीं देख रहा, वो तो देख रहा है ऊपर जो बैठा है। सबक दे भी रहा है सबक, लेकिन फिर भी ना लोगों को ना अकल नहीं आ रही। अगर मेरे भाई धर्मवीर ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू, आपकी वजह से ये सारा काम हो पाया है। अगर आप नहीं होते, आप हमें रास्ता नहीं बताते, अगर आप हमें एक भाई और हैं, भाई मैं चलो बता ही देता हूँ, हमारे SDM साहब हैं नोएडा के, तो हमारे जो धर्मवीर भाई हैं वो उनके बड़े भाई हैं, मेरे एक फ्रेंड हैं काफ़ी अच्छे, मेरी जॉब पर उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमारी बातचीत कराई। उनको मैंने सब कुछ बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और ऐसा ऐसा पहले हो चुका है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी जा रही है, और पहले भी ट्राई कर चुके हैं जान से मारने के लिए। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बोला काजल जहाँ रहती आप यहाँ यहाँ जगह जाओ, मैं यहाँ से कुछ चीजें थी जो उनको भेजनी थी। धर्मवीर भाई थैंक यू भाई, अगर आप नहीं होते ना तो इस प्रॉब्लम से मैं नहीं निकल पाता शायद, थैंक यू। बाकी का जो थोड़ा बहुत आगे का दौर होगा वो सब मैं भुगत लूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अब तो बस वेट ये है, काजल पे कोई हमला करे या काजल के साथ कोई बदतमीजी करे, उसके घर पे कोई जाके बदतमीजी करे या उसके कॉल करके कोई घर पे बदतमीजी करे। बाकी जो काम करा है ना भाई, वो प्रॉपर पूरा का पूरा काजल और काजल की फैमिली की सेफ्टी के लिए का कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। कोई अपने आप को बदमाश समझ रहा हो, और सबसे बड़ी बात पता है क्या, सच लिखा है, झूठ नहीं लिखा, एक भी शब्द ना, एक भी शब्द झूठ नहीं लिखा, सच बताया। जहां मैं गलत था, मैंने अपनी बताई कि हाँ जी सर, यहाँ मैं गलत था। उन लोगों ने भी मेरी बात समझी, काजल की तरफ देखा, काजल की बात समझी। काफी सारी चीजें थी जो काजल की तरफ से हो सकती है, काजल इतना कुछ कर सकती है यार, मुझको पहली बार पता चला यार, इतना कुछ कर सकती है वो लड़की, वो चाहे तो खड़े खड़े यार पूरे घर को नचवा सकती है यार, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। समीर भाई थैंक यू, आपने भी जो सजेशन दिए वो बिल्कुल राइट थे, बिल्कुल ठीक थे, बहुत बढ़िया थे। तो दोस्तों, समीर भाई जो हैं हमारे कड़कड़डूमा के वकील साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। समीर भाई से मेरी बात हुई, एक दो बार मैं उनके पास गया था लेकिन मैं मिल नहीं पाया उनसे, लेकिन उनसे मेरी बात हुई कॉल पे। उन्होंने मेरे को बोला ये सजेशन दो, उन्होंने बोला तो मेरे लिए भी है कि आप भी करो। और
रही जो जान से मारने की धमकी है, तो उनका पूरा प्रॉपर इलाज कर दिया है, एक बार उनको करने तो दो, उनको पता चल जाएगा। आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने धमकी दी है, बाहर के नहीं है, घर के ही है, जान से मारने की धमकी दी है, झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी है। मुझे यही कहना चाहूंगा, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे तुम, मरने के लिए तैयार हूँ, भुगतने के लिए तैयार हूँ अगर मेरी गलती है तो, लेकिन तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। जिस दिन मैं अपनी औकात पे आया ना, तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी। अभी मैं सबर कर रहा हूँ, ऊपर वाला है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है और दिखा रहा है। अगर मेरे साथ गलत करोगे तो मैं भी गलत करूंगा, अगर मेरे साथ नॉर्मल रहोगे तो मैं भी आपके साथ नॉर्मल रहूंगा। तुम कुछ करके तो देखो, सबसे पहली बात तुम्हारे बस की कुछ नहीं है सिर्फ भौंकने के सिवाय। अगर है बस की तो मैं कहता हूँ मुझे मार दो, जान से मुझे मार दो। अगर आप सच में इतने बड़े बदमाश हो, इतने बड़े आप गुंडे हो, आपके घर में परिवार में इतने बड़े गुंडे बदमाश हैं, तो आप मुझे मरवा दो। बाकी दोस्तों, अगर बाई चांस कभी वीडियोस आनी बंद हो जाए तो समझ जाना आपका भाई नहीं रहा, ठीक है। बाकी अगर रहे तो वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे, वीडियोस कोई नहीं रोक सकता। इतना है, इन लोगों का इलाज करना पड़ेगा भाई, और जरूर करूंगा, कि इन लोगों ने जितना दुख दर्द दिया है ना, और जो कुछ मैंने झेला है, अब वो सूद समेत इनको वापस देने का टाइम आ गया। मारने की धमकी कौन देता है यार, करने वाला करके चला जाता है। धमकी मत दो, मार के दिखाओ, और मारने के बाद तुम अपना भी देख लेना। सहारा लेते हो दूसरों का, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अगर रहा, जिंदा रहा, तो वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी, वीडियोस बंद नहीं होने वाली है। मर गया तो वीडियोस बंद होंगी बस। तो हाँ जी भाई, आज है डे टू, ये दूसरे दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काजल से बात कर लेते हैं, क्या अपडेट है, क्या नहीं है, क्या क्या काम हो गया और वो कब आ रही है, तो उनसे वीडियो कॉल कर लेते हैं। कॉल जा रही है भाई, उठा लो भाई, उठा लो, उठा भी नहीं रही। तो हैं जी मैडम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बस क्या कर रहे हो? आपको याद कर रहा हूँ, याद आ रही है आपकी बहुत। टेंशन मत लो, आने वाले हो। आप ये बताओ, जो आप काम करने गए हो उसकी क्या अपडेट है? मुझे नहीं पता था कि लोग मतलब मेरी इतनी सुनेंगे। अच्छा, मेरी बहुत सुन रहे हैं, मेरे को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एक जगह और जाना है, मुझे बुलाया है। अच्छा, एक जगह और रह गया बस। मुझे पेपर दे दिए थे तो बोले कि इसको लेके आना है। खोलना मत इसको, ठीक है। हाँ, खोल के मत दिखाना, ठीक है, जो भी है इसको रखो। सारे काम हो गए ना? हाँ, सारे काम हो गए, बस यही रह गया है। तो लोग मतलब आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपको? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने बताया उनको, पहले आए तो जान से मारने की कोशिश करी थी उन्होंने, अभी धमकियां देते हैं। अभी यार इतना है कि मेरे को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट किसकी वजह से कर रहे हैं तो बताओ? लोग मेरी सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ से नोएडा से कॉल किया था ना, सब लोग भाग भाग के सुन रहे हैं मेरी। अच्छा। तो नोएडा से धर्मवीर भैया ने सपोर्ट किया था, उनकी वजह से ना बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। मुझे पता थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो चलो अच्छा है, ज्यादा खुल के मत बोलो। सामने वाली पार्टी अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा होशियार समझती है, वो ये सोचती है कि बस हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता है, तो मैं एक बात बताऊं, मेरे घर पे भी आए थे चेक करने के लिए, मैंने उनको बताया ना कि मेरे को मारने की, जान से मारने की धमकी वगैरह दे के गए। तो पड़ोस में कुछ लोगों ने बताया कि हाँ ये बात सच है, वो लोग आए थे कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे, ये है वो, बहुत सी धमकी दे गए, उन लोगों ने भी गवाही दी। इसका मतलब सारे काम ठीक ठाक हो गए, आस पड़ोस के लोगों ने जिन्होंने देखा था उन्होंने गवाही भी दे दी। हाँ, तो बोले आगे से ऐसा कुछ होता है ना तो एक बस कॉल कर देना, हम लोग नंबर भी दिया है उन्होंने, बोले बस एक कॉल कर देना, उसके बाद हम संभाल लेंगे। मैं जितनी भी जगह गई, पता है मुझे सबने नंबर दिया कि इस नंबर पे अगर इस जगह नहीं सुनते हैं तो इस जगह तुम मुझे कॉल करना, इस नंबर पे कॉल करना। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने भी यही बोला कि अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है, अगर वो लोग आते हैं मारने की या कुछ भी करने की धमकी वगैरह देते हैं, तो बस एक बार हमें कॉल कर देना। उनकी सारी दादागिरी ना, इतना भी वो उछल रहा है, सारा उनका उछलना सब निकल जाएगा। बस ये यार, मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ। और धन्यवाद उनका, धर्मवीर भैया का, जो उन्होंने साथ दिया हमारा, और समीर भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया है। कि मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि ये सब हुआ आपकी सपोर्ट की वजह से, आपकी वजह से भैया, थैंक यू सो मच। अब आप मेरे को ये बताओ, और लोगों की तरह आपने झूठ तो नहीं लिखवाया, सारा सच्चे है ना? नहीं, मैंने झूठ कुछ नहीं लिखाया, मैंने सब कुछ सच सच लिखाया। जो जिस जगह आप गलत हो आपका लिखवाया, जिस जगह मैं गलत हूँ मैंने अपना लिखवाया, जिस जगह वो लोग गलत है मैंने उनका लिखवाया है। अच्छा। मैंने झूठ कुछ भी नहीं लिखा,
बाकी चलो मैं आती हूँ, और डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? मैं डरता होऊंगा, तुम्हें लगता होगा। चलो ठीक है, आओ और आके मिलते हैं। मुझे भी बहुत याद आ रही है, मुझे फिर से बर्गर खाने जाना है आपके साथ वहां पे। और जो दो तीन लोगों के नाम बताए थे वो लिखवा के आए हो ना? हाँ, उनके तो नाम लिखवा दिए मैंने। हाँ तो बस दो तीन, थोड़े ज्यादा कूद रहे हैं अपने आप को ना, थोड़े छोड़ो। चलो वीडियो और ही बन रही है यार ये, मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, थोड़ा सा बता रहा हूँ कि भाई हम लोगों के साथ में क्या हो रहा है पर्सनल लाइफ में, ज्यादा खुल के नहीं बताते। और जितनी भी हमने अभी बातें करी उसमें से भी मैं थोड़ी बहुत बातें काटने वाला हूँ, क्योंकि सारी खुल के नहीं बताऊंगा मैं। बाकी चलो यार आओ तुम जल्दी से, मेरा मन कर रहा बहुत मिलने का यार, कई दिन हो गए। चलो ठीक है, बाय। तो भाई ये थी कुछ हमारी काजल से आज की बातचीत। मेरे को लगा ये वीडियो में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैंने ये वीडियो में लिया। भाई मेरे को ये सब करने के लिए ना मजबूर करा गया है, मैं बहुत परेशान हूँ भाई, इतना परेशान रहा हूँ ना मैं नहीं आपको बता सकता। बहुत कुछ घटा है मेरे साथ बीती लाइफ में, और अब इस लड़की के साथ भी मेरी वजह से गलत कर रहे हैं। भाई ये चाहे ना, इसको भी अभी नहीं पता जितनी मेरे को पता, ये चाहे ना इतना सब कुछ करवा सकती है हमारे साथ। लेकिन वो लड़की ठीक है, वो गलत नहीं है, उसने अब भी वो लिखवाया जो सच है, झूठ नहीं लिखवाया। और यहाँ लोग झूठ की इतनी लिमिट पार कर जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा। तो चलो भाई ये था एक छोटा सा वीडियो, टाटा बाय बाय।